क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है, रिस्पॉन्स ही है टीईटी का। काइंडली ये आपसे फिर रिक्वेस्ट है, इंफॉर्मेशन है कि अगर आप टीईटी की कोचिंग फ्री ऑनलाइन लेना चाहते हैं, शाम को क्लास लगेगी, तो आप टाइम जहां अकेला टीईटी लिख के मेरे चैनल पर मैसेज कीजिए, मुझे ये पता चले कि इतना ग्रुप बन रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली मैं क्लासेस को अरेंज कर पाऊं। तो स्टेप बाय स्टेप पहले छोटी क्लास, धीरे धीरे बड़ी क्लास करेंगे। जैसे जैसे आपका सिलेबस पीस सेमेस्टर वन का आपने करना है, वो भी टीईटी की जो कोचिंग होगी उसमें भी वो कवर होगा। इवन टीईटी का सिलेबस ज्यादा कवर होगा तो उसमें सेम वन 1/4 पार्ट ऑफ बीएड बनता है, वो भी कवर हो जाएगा। और भी कोई प्रॉब्लम आपकी होगी साथ साथ में डिस्कस कर सकते हैं। आपने मार्क्स कैसे ले जाने हैं, अच्छे प्रैक्टिकल अच्छे से कैसे परफॉर्म करना है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, सभी गाइडेंस साथ साथ में दूंगा। तो हो सकता है एक अलग ग्रुप टीईटी का बना लिया जाए, तो काइंडली आप अगर चाहते हो तो मैसेज जरूर कीजिए। क्वेश्चन है सर, मेरे सीट अलॉटमेंट में किसी कॉलेज का नेम नहीं आया, सब मुझे सेकंड काउंसलिंग में वही कॉलेज मिल सकता है जो मैंने पहले फिल किया था कॉलेज? देखिए आपको अलॉट नहीं हुआ, अब मुझे ये नहीं पता कि आपने 10 जो थी प्रेफरेंसेस वो फिल की थी या नहीं। अगर आपने 10 नहीं फिल की थी, एक ही फिल की थी, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि जो कॉलेज में आपने फिल किया था वो उसमें मोस्टली जो दो कोटा होते हैं, एक तो 15% का कोटा होता है, दूसरा 85 का होता है। 85 में से दोनों मिलाकर लगभग 50% सीट्स अलॉट हुई है अभी। अगर इतनी सीट्स कॉलेज में अलॉट हुई हैं तो बच्चे लगभग 30% जो है रिपोर्ट कर रहे हैं, तो बाकी सीट जो ये जो है ये 85 में ये मर्ज हो जाती है, सेकंड के बाद वैसे होती है। तो सब प्रोबेबिलिटी रहती है वही मिलने की। अब मुझे ये नहीं पता कि आपने प्रेफरेंस कैसे, चॉइस कैसे फिल की थी। दूसरा, मुझे ये नहीं पता कि आपने जो फिल किया था वो गवर्नमेंट कॉलेज था जहां वो प्राइवेट कॉलेज था, है ना। अगर ये आपका एरिया भी पता हो तो बेटर बताया जा सकता है, क्योंकि मेरे पास कट ऑफ लिस्ट भी अवेलेबल है, आपके सब्जेक्ट की कैटेगरी की कट ऑफ लिस्ट वो देख के बताई जा सकती है। अदरवाइज फोन नंबर दिया है, वहां से आप पूछ भी सकते हो कि किस कॉलेज की कट लिस्ट कितनी गई है, किस सब्जेक्ट में, किस कैटेगरी में, तो उससे ये आपको फर्दर गाइडेंस मिल सकती है। तो आपका सीधा आंसर ये बनता है कि ये सारा कुछ पता लगने के बाद प्रोबेबिलिटी है कि आपको वही सीट मिल जाए। अगर वो प्राइवेट कॉलेज है, है ना, रिमोट में है या कहाँ है, आप एरिया थोड़ा सा बताएं, कॉलेज के 2-4 नाम बता सकते हैं, यहाँ यहाँ प्रेफरेंस फिल की थी, फिर सीधा ही बता दिया जाएगा कि आपको वही कॉलेज वही वो जो है सब्जेक्ट मिल जाएंगे। सर, ग्रेजुएशन विच हिस्ट्री फिजिकल एजुकेशन इलेक्टिव हिंदी की है, बीएड में राइट कॉम्बिनेशन क्या होगा? आपका हिस्ट्री नंबर एक इंडिपेंडेंट पीजीटी बनता है, फिजिकल एजुकेशन बन रहा है दूसरा, और हाँ आपका एज बन रहा है अभी आपको हिस्ट्री ही बन रहा है, हिस्ट्री और हिंदी आपका फर्स्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है, हिस्ट्री और हिंदी, ठीक है। दूसरा बन रहा है आपका फिजिकल एजुकेशन एंड हिंदी, ये आपके बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इसमें आप अगर ये प्रेफर करना चाहते हो, क्योंकि हिस्ट्री की आपकी पोस्ट बनेगी पीजीटी की, पीजीटी की, तो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी है तो ये आपको एमए हर हालत में करनी पड़ेगी हिस्ट्री की। एमए हिस्ट्री आप करके फिर आप पीजीटी के लिए एलिजिबल होते हो। अगर आप फिजिकल एजुकेशन रखते हो तो वो ग्रेजुएशन तक ही चाहिए, वो तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो। दैट इज वाई अगर सीधे एलिजिबल होना है तो फिजिकल एजुकेशन और हिंदी का सब्जेक्ट, क्योंकि हिंदी आपकी इलेक्टिव है और 3 साल मेरे ख्याल में पढ़ी होगी, अगर ये 3 साल आपने पढ़ी है तो आप फिजिकल एजुकेशन और हिंदी के लिए टीजीटी के लिए एकदम से बीएड करने के बाद एलिजिबल हो जाओगे। आपके लिए एक सजेशन है कि मीनवाइल आप एक सोशल साइंस का एडिशनल सब्जेक्ट ग्रेजुएशन का जरूर दे दें। फॉर एग्जांपल आप पॉलिटिकल साइंस, जहां ज्योग्राफी वैसे अच्छा सब्जेक्ट है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में जब एसएसटी की पोस्ट निकलती है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की रिक्वायरमेंट प्रेफरेंस ज्यादा होती है,
सोशियोलॉजी है, फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, जो 13 साइंसेस एनसीटी ने दी हैं उनमें से कोई आप ले सकते हैं। सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस ये इजी है, ये स्कूल सब्जेक्ट भी है, पॉलिटिकल साइंस इसको प्रेफर कर लेना चाहिए। तो आप नेक्स्ट एसएसटी करके आप 3 सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल बन जाओगे। सर ग्रेजुएशन विच हिस्ट्री फिजिकल एजुकेशन ये हो गया है। सर मैं आपके चैनल बहुत देर से जुड़ा हुआ हूँ, टीईटी की तैयारी करवा दीजिए, ESPS करवाऊंगा, थैंक यू। बाकी भी कोई और है मैसेज कीजिए। यार हुन तक कोई काउंसलिंग गया है? आपका क्वेश्चन क्या है? यस, काफी जने मेरे चैनल से ही जो गाइडेंस लेते रहे हैं वो काफी मेरे कॉलेज में भी आए हैं, मेरे से बात हुई है। आज ही एक केरला से लड़की थी, वो इधर उनकी शादी हुई है, उनसे बात हुई है। तो जब उन्होंने मेरे को एकदम देखा तो वो हैरान हो गई, कहती कोई मीडिया से निकल के सर एकदम बाहर आ गए, तो बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। बाकी कई जने हैं, आपका क्वेश्चन क्या है आप वो बताइए, उसके लिए आपको डायरेक्ट गाइड कर दिया जाएगा। अगर आप पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं तो 9872978981 पर कॉल कर सकते हैं, वो भी प्रिंसिपल हैं कॉलेज के, आपको गाइड कर देंगे। नेक्स्ट है इंस्पेक्टर आईटी पंजाब टैक्सेशन नाउ टीईटी, ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर गाइडेंस। सर जे सेकंड काउंसलिंग च गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं हुंदा, जेड़ा फर्स्ट काउंसलिंग च कॉलेज अलॉट होया सी ओही सेम मिल सकता है? देखिए आप सीट को छोड़ के जाते हैं, ये बात है। मान लीजिए पहले आपने शिवप्रीत है, पहले आपने एक प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज में आपको सीट मिली है ये वाली, ये आप छोड़ के सेकंड काउंसलिंग में जा रहे हो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो अब प्रोबेबिलिटी इक्वल है कि जो ये सीट खाली हुई है ये भी सेकंड में फिल करनी है उन्होंने, ये फिल हो रही है ना, तो प्रोबेबिलिटी 50-50% रहती है। हाँ लेकिन आपको ऐसा करना चाहिए था, ये भी किया जा सकता है, प्राइवेट कॉलेज में आप ले भी सकते हैं। अगर आप ये बता दें कि कौन सा प्राइवेट कॉलेज है, कहाँ है वो और गवर्नमेंट किस में लेना चाहते हो, तो डायरेक्ट काउंसलिंग आपको मिल जानी थी। तो क्या कर रहे हैं बच्चे स्टूडेंट्स के, वो एडमिशन यहाँ ले रहे हैं, 1000 का नुकसान होगा, तो शिफ्टिंग के लिए अलाउ कर देते हैं, शिफ्टिंग मैंने गवर्नमेंट कॉलेज करवानी है, तो शिफ्टिंग अगर कर ले हो जाती है तो ठीक है, है ना, तो 1000 कट के इधर चला गया, आपका 50000 बच गया लगभग। तो दूसरा अगर आप 1000 भी नहीं फीस जमा ही नहीं वहां करवाना चाहते, कोई बात नहीं, तो आप तो प्राइवेट कॉलेज कैसा पता चल जाता है हमें कि कैसा है, और उसकी सीट्स अगर ज्यादा हैं तो आपको बाद में उसी कॉलेज में डायरेक्ट सीट मिल जाएगी, वो ले लेंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको अगर वहां सीट 50 है, जैसे ये इनोसेंट हार्ट्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, ऐसे कॉलेज हैं जो ईमानदार लकड़हारे हैं, जिन्होंने क्वालिफाइड स्टाफ तो रखा है लेकिन सीट्स भी एनसीटी के नॉर्म्स के मुताबिक कम कर ली हैं। बहुत सारे कॉलेज ने 200-200 सीट्स रखी हुई हैं, 100-100 सीट्स रखी हुई हैं, लेकिन स्टाफ नहीं है, तो उन्होंने आपको रख ही लेना है, उन्होंने आपको रख लेना है। दैट इज वाई अगर वो 50 कॉलेज वाला है तो प्रोबेबिलिटी है कि वहां नहीं मिलेगी, अगर वो ज्यादा सीट वाला है तो प्रोबेबिलिटी है कि मिल जाएगी। कारण ये है कि 22000 सीट्स हैं आपके पंजाब में, हमारे पंजाब में, और 13000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, बाकी खाली पड़ी रही सीट्स है ना। तो ये दो ऑप्शन है, आप फीस जमा करवा के शिफ्टिंग भी कर सकते हैं और डायरेक्ट वैसे भी रिस्क ले सकते हैं, प्रोवाइडेड वो आप हमें इंफॉर्मेशन दें, जहां जो फोन नंबर में पीछे दिया है वहां पर फोन करके आप पता कर लें, तो बता सकते हैं आपको ये रिस्क लेना चाहिए या नहीं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मैंने स्टेट कॉलेज पटियाला के लिए अप्लाई किया था बट मेरा लिस्ट में नाम नहीं है और मैंने ग्रेजुएशन के मार्क्स अपडेट नहीं किए थे बट अलॉट माई लेटर डाउन हो गया है, मेरा इसका मतलब है कि मैं फर्स्ट काउंसलिंग में एलिजिबल हूं? देखिए ये हुआ क्या है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। लगभग 1800 स्टूडेंट जो थे वो डिफॉल्टर लिस्ट में थे, उनमें 34 स्टूडेंट्स वो थे जिनकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती थी, जिनके मार्क्स ग्रेजुएशन के 50% से, अगर वो कैटेगरी के थे
उनके 45 से कम थे, ये एलिजिबल नहीं है, ठीक, ये डिफॉल्टर पक्के हो गए, ये नॉट एलिजिबल हो गए। और बाकी जो बचे हैं ये जने, इनका ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया था, तो यूनिवर्सिटी ने इनको भी वो जो लेटर है उनको काउंसलिंग में डाल दिया है। अब क्या है कि जैसे आपका केस है और भी जनों का होगा, अगर आप, अब आपको क्या चाहिए कि आप पटियाला के उस कॉलेज में जाओगे और अगर आपके पास ग्रेजुएशन के मार्क्स आ गए हैं तो आपकी एडमिशन हो जाएगी। अगर आपके पास ग्रेजुएशन के मार्क्स नहीं है, जो एलिजिबिलिटी शो नहीं करते, तो प्रॉब्लम हो सकती है, सेकंड काउंसलिंग में आप शामिल हो जाओगे जब तक आप अपडेट भी कर दोगे ग्रेजुएशन के मार्क्स। हाँ, आपकी वेट की जाएगी, अगर ग्रेजुएशन का रिजल्ट आपका आउट ही यूनिवर्सिटी ने नहीं किया तो आपको हर हालत में नेक्स्ट जो भी काउंसलिंग होती है जहां ओपन होती है, वट एवर प्रोसीजर इज फॉलोड बाय गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, तो वो आपको वो प्रोविजन मिलेगी, तो अब आप उसमें शामिल हो सकते हो, आप काउंसलिंग, आपको काउंसलिंग में शामिल कर लिया गया है। सर जी, आप सीट अलॉट होने तो बाद फीस भर दिए तो, बट फिर गवर्नमेंट सीट ट्राई करनी है तो सेकंड काउंसलिंग च पार्टिसिपेट करते हैं तो फीस अपनी रिफंड होगी या फिर ओह फीस भी दूजे कॉलेज च शिफ्ट कर दी जाएगी? यस, यूजीसी के नॉर्म मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यूजीसी के कोविड के नॉर्म्स तो ये कह रहे हैं कि आपकी 100% फीस वापस होगी। जो यूजीसी के पहले नॉर्म है, इससे पहले कोविड के नॉर्म है, वो के 1000 जो है जिस कॉलेज में एडमिशन हुई है, तो एडमिशन प्रोसीजर अभी चल रहा है, उसके बीच में 1000 डिडक्ट करके उसको बाकी रिफंड किए जाएंगे, तो आपको आपकी फीस रिफंड होगी। आपने दूसरी जगह जाके फीस नहीं जमा करवानी है और रिफंड के लिए पहले कॉलेज में अप्लाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ योर शिफ्टिंग का, जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा, स्लिप मिलेगी, तो वो रिफंड हो जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मैंने फर्स्ट काउंसलिंग विच बीएड विच एडमिशन मिल गई है, एमए हिस्ट्री की है, ग्रेजुएशन विच हिस्ट्री इलेक्टिव पंजाबी ते म्यूजिक सन, मैनू हिस्ट्री पंजाबी कॉम्बीनेशन मिलिया है, कि यह कॉम्बीनेशन ठीक है? देखो, आपकी हिस्ट्री एमए है, आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे अगर आप हिस्ट्री के साथ बीएड करते हो, दैट इज व्हाई हिस्ट्री इज बेटर फॉर यू। सेकंड, आपने इलेक्टिव पंजाबी पढ़ी हुई है, तो इलेक्टिव पंजाबी के बेस पर आपको पंजाबी मिल चुकी है, तो भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए पंजाबी के लिए एलिजिबल हो। तो दोनों कॉम्बिनेशन को जोड़े तो आपका बेस्ट है। हाँ, एसएसटी के लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो, अगर एसएसटी होता तो जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ जानी थी, लेकिन हिस्ट्री है आपके पास और हिस्ट्री की पोस्ट बेशक कम होती है, लेकिन आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन इसलिए है क्योंकि इसके बीएड के करने के एक इमीडिएट बाद आप एलिजिबल हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आपके लिए ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, 10th गवर्नमेंट स्कूल से की हो और 12th प्राइवेट स्कूल से है, उनके लिए रूरल एरिया का सर्टिफिकेट बनेगा क्या? देखिए, आप रिजर्वेशन अगर लेनी है रूरल एरिया की, तो आपके डीईओ के साइन और हेड के साइन रूरल के हो गए हैं तो आपका चलेगा, अदरवाइज सीट्स इतनी खाली पड़ी हैं कि इसके बिना भी आपको सीट मिल जाएगी। हाँ, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हो तो रिजर्वेशन के जरिए आपको फायदा होता है, तो आपको जरूर यह सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए, अदरवाइज प्राइवेट में हो जहां सीट्स काफी हैं तो इसके बिना ही आपको वहां सीट मिल जाएगी। अगर आपने ये बताया होता कि कहां आपने सीट लेनी है, किस एरिया में है, तो बेटर मैं गाइड कर पाता। अगर आपने रूल पढ़ना है तो ये स्टडी कर सकते हैं, वाई कैलकुलेटर मेरिट क्रेडिट ऑफ 1% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इन सीईटी विल बी गिवन टू कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर 85 कैटेगरी, इट मींस ऑल इंडिया कोटे को ये रिजर्वेशन नहीं है, क्लेम नहीं कर सकते रूरल का, हु हैव पास्ड अ 10th एंड 12th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम स्कूल सिचुएटेड इन रूरल एरिया ऑफ पंजाब। इट मीन्स यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट और प्राइवेट की बात नहीं की गई, आपकी जो डीईओ की सिग्नेचर है वो होने जरूरी है,
अगर वो हो जाते हैं तो आपको क्लेम मिल जाएगा। आगे जो लिखा है उसको भी समझ लीजिए। फॉर दिस दे हैव टू सबमिट अ सर्टिफिकेट इशूड बाय हेड पब्लिक प्रिंसिपल ऑफ स्कूल स्टेटिंग दैट कैंडिडेट हैज पास 10th एंड 10+2 क्लास फ्रॉम द स्कूल एंड दैट द स्कूल फॉल्स इन रूरल एरिया। दिस सर्टिफिकेट शुड बी काउंटरसाइंड बाय डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फॉर स्कूल एफिलेटेड टू स्टेट बोर्ड एंड काउंटरसाइंड बाय सरपंच फॉर CBSE, ICSE schools। तो ये रूल है, अगर आप इसके अधीन आते हो तो आप रूरल एरिया के लिए क्लेम कर सकते हो।